नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम आपको हरियाणा में पहली बार बाप बेटा की जानकारी देने जा रहे हैं जो बिल्कुल 2-7 लगती लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। वे रोहतक लोकसभा सीट से 4 बार निर्वाचित हो चुके हैं। वर्ष 1991, 1996 और 1998 व 2004 में रोहतक लोकसभा सीट जीते हैं। इसके बाद से उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से 3 बार विजयी हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार भी अपने सभी दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वे पहली बार सोनीपत से न केवल चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि हरियाणा में पहली बार कोई बाप और बेटा हरियाणा की 2-1-7 लगती सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखें पल पल की ये खास रिपोर्ट।